The question is find extremals of 1 plus x square y dash into y dash dx. So आपको main function होगा आपका that f is equal to 1 plus x square y dash into y dash. ये y dash अंदर multiply करो तो ऐसा होगा 1 into y dash, okay, plus x square y dash square हो जाएगा ये, ठीक है? अब ये type कौन सा हो गया? इसमें x present है, y dash present है, y absent है. और अगर f does not contain y तो type कौन हो गया ये? So here f does not contain y. तो उसके रिक्वायरमेंट क्या है कि फंक्शन को आप y डैश से डिफरेंशिएट करोगे. तो मैं आपके लिखता हूं डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y डैश. तो आपको मिलेगा डो एफ बाय डो y डैश, डो बाय डो y डैश इज इक्वल टू फंक्शन आपका है y डैश प्लस x स्क्वायर y डैश स्क्वायर. ओके, सो y डैश का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज एंड y डैश स्क्वायर का होगा 2y डैश होगा. सो ये हो गया डो f by डो y डैश का आंसर. और ये आंसर आप लोग यूटिलाइज करोगे. तो f does not contain y ना, तो y एक्सप्लिसिट है तो आप यूज करोगे डो f by डो y डैश इज इक्वल टू c. ये फॉर्मूला यूटिलाइज है जिसमें डो एफ बाई डो वाई डैश का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई डैश इज इक्वल टू सी. और आपका टारगेट है वाई डैश इज इक्वल टू सी. तो पहले आप 1 को शिफ्ट करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू सी माइनस 1 होगा. मुझे वाई डैश चाहिए तो आप लोग यहां पे 2 एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करके डिवाइड में लिखोगे 2 एक्स स्क्वायर होगा. एंड वाई डैश क्या होता है एक्चुअली डी वाई बाय dx. तो c माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर. ओके, देन आप इसको है ना एक काम करो, ये जो c माइनस 1 अपॉन 2 है, c माइनस 1 अपॉन 2 इसको एक न्यू c1 कंसिडर करो. ओके, नया कॉन्स्टेंट कंसिडर. तो क्या होगा यहां पे एग्जैक्टली dy बाय dx इज इक्वल टू न्यू c1 पूरा कॉन्सेप्ट अपॉन एक्स स्क्वायर है, अपॉन एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो ऐसा होगा सी वन एक्स रेज टू माइनस टू होगा. एंड डीएक्स को भी शिफ्ट करता हूं वहां पे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे हम लोग. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई सी वन कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस टू डीएक्स. सो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई सी वन एक्स रेज टू माइनस टू का सोल्यूशन होगा एक्स रेस टू माइनस वन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा एक्स रेस टू एन प्लस वन. तो माइनस टू प्लस वन हो गया माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस और एक कॉन्स्टेंट आएगा सी टू. सो वाई इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस होगा माइनस सी वन एक्स इनवर्स. एक्स इनवर्स होता है वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी टू. अभी कुछ लोग क्या करेंगे माइनस सी वन को और एक कॉन्स्टेंट है और एक्स, यही आपका फाइनल आंसर है वाई का. क्लियर है? ठीक है.